बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अगर हम देखें थोड़ा सा इधर इस साइट पे देखें, ये वाला लेवल में ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये इस वक्त जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो नजर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी, दोनों पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इस लेवल पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। 63,767 या 63,770 समझ लें। अच्छा, आपको पता तो मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्शन का जो है प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। आप अपर साइड पे जिन्होंने डाउन साइड पे बाई किया था तो उनकी तरफ से ये प्रॉफिट टेकिंग फिटनेस की जा रही है अलोंग विद बैंक इंश्योरेंस। अब हमने हमने ये इसी वीक में अपने इंश्योरेंस में भी देखा जो वीकेंड में। तो अब ये जो टेक्निकली देखें तो ये मार्केट का ये सेंटिमेंट शो करता है इनडिसाइसिव, ठीक है। अगर आप ड्यूरिंग द डे में देखें, ड्यूरिंग द वीक डे ऑन डे बेसिस पे देखें तो वॉलीटिलिटी अच्छी नजर आती है। जिस तरह हमने जुम्मे को विटनेस किया कि 2300 तक मार्केट माइनस गई, फिर इसके बाद अच्छी खासी रिकवरी भी देखी। तो ये जो यहाँ पर इस लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ, इस लेवल पे जो वीक पे हम देखें और डेली पे भी, ये जो इसका इसकी नेक लाइन सपोर्ट है ये, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये तकरीबन बनता है 61,761,600। ये लेवल जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे डे ऑन डे बेसिस पे देखें बड़ी वॉलेटिलिटी आती है। मैं आपको थोड़ा सा डेली पे भी समझा दूं। यहाँ पे डेली पे किस तरह ये देखें ना, डेली पे भी यहाँ पे हल्का सा ये तो गैप थोड़ा सा फिल हो गया था, यहाँ पे हल्का सा गैप था, यहाँ पे गैप था, गैप ओपनिंग हुई थी और ये अब फिर वापस दोबारा गैप ओपनिंग हुई। इन सबको गैप को फिल किया, इन सारे गैप को फिल किया इसकी जो है सीपीआर के से जो है इसकी अगर आप देखें तो सिंक्रोनाइजेशन हो रही है 62,390 या 62,400 का लेवल ये वाला जो है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करूँगी, ऑलरेडी सीपीआर का लेवल यहाँ दिया हुआ है। तो इंट्राडे में देखें वही अगेन उसी लेवल पे तकरीबन अगर हम देखें तो लो जो है 61,780 81 का क्या था, तो 61,800 से लेके 61,600 500 इवन ये वाला लेवल जो है ये भी आ सकता है 61,000 का, लेकिन अभी आया नहीं है। अभी हम यही विटनेस कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह हम रिजेक्शन देखते हैं ना, विक बनती है अपर साइड पे जैसे ये है, तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ पे ऑनर हो रहा है ये सपोर्ट। कई दफा हुआ है देखे ना, इसके ऊपर भी हुआ है और इसी लेवल पे आके ऑनर भी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ये भी है कि इसकी ये वाली कैंडल की ये बना देता हूँ मैं नेक लाइन सपोर्ट, ठीक है। तो एरिया ये जो बनता हुआ नजर आ रहा है 62,064 से लेके 61,725 या 61,600 यहाँ तक समझ लें, 600 तक भी आई थी 650, ठीक है। तो ये लेवल अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे इसी को हम ले लें, इसी कैंडल को यहाँ कर लें अगर, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे ले लिया हमने इसकी और इसकी ओपनिंग ओपनिंग ले ली और इसकी क्लोजिंग ले इसकी ओपनिंग ले ली है। दोनों कैंडल की ओपनिंग जो है वो सपोर्ट लेवल एक तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है इन दोनों की ओपनिंग का। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 62,100 से लेके और 61,500 तक, ये आप समझ लें कि अच्छा सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे तो देखिए अच्छी खासी बड़ी विक बनी है और उसके बाद क्लोजिंग जो आई है वो तकरीबन 62,940 के अराउंड समझ लें आई है। अब तो यहाँ पे भी ये जो गैप है ये गैप बना है डेली पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये गैप आने वाले दिनों में ये हो सकता है इसको ये फिल करे, जिस तरह ये हुआ था। तो किसी भी दिन कोई अच्छी क्यों न्यूज आ जाएगी तो ये यहाँ पे ये फिर ये दिखाए, क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, हो सकता है ये यहाँ पे ये गैप फिल करे। तो गैप फिल का जो एरिया है वो है 63,900 या 64,000 समझ लें राउंड फिगर में, तो 64,000 जो है ये यहाँ पे गैप फिल होता हुआ नजर आ रहा है। और हो सकता है अगर इसके ऊपर ये जो अगेन मैंने आपको बताया था ये इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है 64,200 तो फिर वही 64,400 64,200 यहाँ पे रिजेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी रिजेक्शन देखी भी है ये वाला एरिया जो है, ठीक है। ये तो आ जाएगा रेजिस्टेंस, फिर इसके ऊपर अगेन वही रिजेक्शन एरिया आ सकता है। जिस तरह यहाँ बहुत बड़ी सपोर्ट नजर आई हमको, बहुत बड़ी विक बनी, तो यहाँ पर भी कोई विक बनती हुई नजर आ सकती है, ठीक है ना। ये मैंने एरिया यहाँ पे दे दिया है ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एक एरिया है
और एक ये वाला एरिया है 64,230 से लेके 64,568, ये एरियाज मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। लेकिन सीपीआर का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआर के लिए अभी भी मार्केट जो है सीपीआर के लेवल के अंदर परफॉर्म करेगा। अगर आप देखें वीक बहुत बड़ी बनी, इसको ब्रेक किया इंट्राडे में 62,392 को, लेकिन यहाँ से हमने फॉरन रिकवरी देखी, बायर यहाँ से एक्टिवेट हुए इस इन लेवल्स पे से और इसको पुश करके 62,943 तक ले गए। हालांकि 62,848 जो है इसका मिडिल बैंड है, मिडिल बैंड से भी ऊपर क्लोजिंग आई है। दैट मीन्स अगर एटलीस्ट यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन करती है 62,840 पे, तो मजीद हम इसमें अपसाइड देख सकते हैं। डेली पे अगर आरएसआई पे नजर डालें तो 47 पर है, और वो कम वॉल्यूम से देखें, गैप ओपनिंग और कम वॉल्यूम, मतलब इसका मतलब सेलर इतने ज्यादा एक्टिवेट नहीं थे इन लेवल्स पे बेचने के लिए, ज्यादातर बायर ही यहाँ पे नजर आई। इसकी एक निशानी ये भी है कि देखें यहाँ पे कम वॉल्यूम था, कम वॉल्यूम से सेलिंग हुई, बायर ने उनको एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वीकली की तरफ। अच्छा वीकली रहिए, मैं अभी रिव्यू करता हूँ, आप लेवल देख लीजिएगा डेली पे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे अब ट्रेंड लाइन को प्लॉट करेंगे इधर, उससे भी हम थोड़ा अंदाजा लगाएंगे। तो ये मैंने सारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल जो डेली पे थे वो मैंने सारे डिलीट कर दिए हैं, उनको रिमूव करके अब हम आ जाएंगे। थोड़ा सा आरएसआई पे नजर डाल लें ट्रेंड लाइन से पहले। देखें वीकली पे भी देखें, लास्ट वीक में 821 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट था, और इस वीक में 500, मतलब कम वॉल्यूम से यहाँ पे आई है मार्केट नीचे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ये हो सकता है, अब इसकी वही अगेन मैंने माना कंफर्मेशन जरूरी है कि आया या ट्वीजर टॉप बन सकता है या ट्वीजर बॉटम, ठीक है ना। तो अगेन वही मैं बताऊं, मार्केट इस वक्त साइडवेज है, यूं देखें ना साइडवेज ही मार्केट आ रही है, अपसाइड पे वॉलेटिलिटी काफी आती है, अपसाइड पे सेलिंग भी आई। देखें ड्यूरिंग द वीक देखें तो ये वाला लेवल, मैं यहाँ पे चले वीक का जो यहाँ बना देता हूँ, ये यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है इस वाले लेवल पे, ठीक है ना, 64,200, 100, 300, 400, ये यहाँ पे इसके ऊपर रिजेक्शन ही है। देखें यहाँ पे भी बड़ी वीक बनी, यहाँ पे भी एक बड़ी वीक बनी, इसी तरह डाउन साइड पे भी एक बड़ी वीक बनी है 61,700। तो अगर हम देखें इन दोनों साइड का, इन पे मतलब देखिए टग ऑफ वॉर चल रहा है एक तरह से, ठीक है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं रस्सा कशी चल रही है, 61,700 से लेके 64,200 इन दोनों के दरमियान रस्सा कशी चल रही है। या तो ये इसको ब्रेक करेगा या फिर इसको ये ब्रीच करेगा, ये आने वाले दिन आपको बताएगा। और जाहिर सी बात है पॉलिटिकल जो है वो इम्पैक्ट आता है मार्केट में, इस वक्त बड़ी अनसर्टेनिटी है इलेक्शन को लेके, इसके रिजल्ट्स को लेके, तो अभी काफी डिले हो रहे हैं और रिगिंग की भी काफी खबरें आ रही हैं, तो इस वक्त जो है अभी मार्केट भी उसी का इम्पैक्ट लेगी। जिस तरह जुम्मे वाले दिन आपने देखा एकदम से नीचे माइनस खुली, तो हो सकता है आगे आने दिनों में मार्केट काफी वॉलेटाइल रहे, इससे अंदाजा हो जाता है। ये देखें यहाँ से अप डाउन और अपसाइड और डाउन साइड से आप अंदाजा लगा ले कि ये मार्केट की वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगा लें। ये वाला जो है लेवल मैंने बता दिया 61,700, 61,600, 62,400, 64,200, 64,300, 64,100, ये लेवल जो है यहाँ पे रस्साकशी नजर आ रही है। अच्छा आरएसआई देख लें वीकली पे तो 68 पर है, ये समझे अभी ओवरबॉट जोन में है आरएसआई थोड़ा सा। अच्छा लास्ट वीक मैंने बताया था हल्का सा बेयरिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, और इसका इम्पैक्ट हमने जुम्मे वाले दिन ही देख लिया एकदम से मार्केट ने नीचे। हालांकि जुमेरात वाले दिन काफी लोग बोल रहे थे माल लेके जाओ इलेक्शन के रिजल्ट आएगा, लेकिन हमने इसका अपोजिट देखा कि मंडे वाले दिन ही जो है मार्केट जो है फ्राइडे वाले दिन सॉरी फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लिया, रिवर्स में गई मार्केट एकदम, तो बिल्कुल 2300 पॉइंट तक गई माइनस में। तो वो उसी का ही नजर आ रहा था रिफ्लेक्शन के, यहाँ पे सेल करके जा रहे हैं लोग, अपर साइड पे सेल करके जा रहे हैं, अपर साइड मतलब एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी, अभी तक यही बरकरार है टिल एटलीस्ट ये वाला लेवल जो है सीपीआर का 63,258 हो रहा है, 63,300 एटलीस्ट ये है, इसको सस्टेन करता है। देखें अभी भी वैसे देखा जाए तो ये वाला लेवल है 63,800 का, इसको भी मैं कर देता हूँ क्योंकि इसके अपसाइड पे विक बनते हुए देख रहे हैं, जो ये वाली कैंडल की क्लोजिंग थी इसके ऊपर अभी तक मार्केट क्लोज नहीं हुई है इस ओपनिंग के ऊपर सॉरी इस क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। ये तकरीबन 25 जनवरी का बनता है ये, और सॉरी 27 जनवरी का आई थिंक है, 27 जनवरी का है, 27 जनवरी का है ये,
तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर बाद में, फिर अभी क्लोजिंग नहीं आई है, अभी इसके बाद भी 2 वीक और हो गए, क्लोजिंग नहीं है। अच्छा, मैं आपको उसका बता रहा था ट्वीजर बॉटम या ट्वीजर टॉप किस तरह हो सकता है। ठीक है, इस कम से कम भी जिस तरह मैंने बताया ना, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाएगी, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये बुलिश कैंडल्स हैं, ये कैंडल भी बन जाए तो अच्छी बात है। तो ये सारी बुलिश कैंडल्स हैं, तो ये बुलिश कैंडल बनना फिर उसकी कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ कोई बुलिश कैंडल बन जाए तो मजीद अपसाइड देख सकते हैं, और अगर कोई बेरिश कैंडल, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये इसके नीचे कोई फॉर्म होती है विदाउट एनी विक, तो फिर हम इसमें डाउनसाइड देख सकते हैं विद कंफर्मेशन। अगेन उस कैंडल की भी कंफर्मेशन मिलना जरूरी है, तो मार्केट फिर ये डाउन साइड पे आ सकती है, जो मैंने आपको पहले भी लेवल बताया 57,800, इसको ये रिटेस्ट कर सकती है, ये वाला लेवल, जिससे पहले लेवल ये वाला बताया था आपको मैंने, इसको हम देख लें तो वीकली पे ये हमारा एक ये एरिया ऑफ वैल्यू है। ठीक है, सॉरी ये वाला देख, यहाँ पे लिया है 59,500। ठीक है, 59,500 से लेके 57,700, ये जो है एरिया ऑफ वैल्यू है, यहां मैं लिख भी देता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट वीक में भी प्लॉट किया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा इन लेवल्स को। ठीक है, इसको, इन सबको मैं लेवल्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि ये बाद में आपको आसानी में समझ में आ जाइए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ। ठीक है, पहले हम इसकी जो क्लोजिंग लेंगे वीकली पे है ना, तो ये 9 दिसंबर का है, 9 दिसंबर से ऊपर अभी तक क्लोजिंग आई नहीं है वैसे, ये देखें आप। ठीक है, इसको हम ले लें यहाँ पे, यहाँ पे ये एक हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, एक इसकी हम ओपनिंग ले लेते हैं ये वाली। ठीक है, ये 22 दिसंबर की है ओपनिंग है, एक ये लेवल हमारे पास आ गया, ये ट्रेंड लाइन में आपको बना के बता रहा हूं यहां से। ठीक है, और डाउन साइड पे भी इसी तरह हम यहाँ पे ये बना लेंगे। ठीक है, ये लेवल आ गया, और डाउन साइड पे हम इसको भी ले लेंगे ये लेवल। ठीक है, तो ये देखें इस वक्त सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है इधर, और ये इनके लेवल्स मैंने आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से बता दिए कि अभी फॉर सपोज जैसे यहाँ क्लोजिंग आई, तो ये देखें ये वाला है लेवल दोबारा रीड, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था वो इसी को सिंक्रेस करा है, यही अभी तक जो है 63,800। ठीक है, 63,812 का लेवल है, ये जो है अपर साइड पे जो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 63,800। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने आपको जैसे पहले मैं यहाँ पे चले, अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से सिंक्रोनाइजेशन आ रही है, तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, ठीक है, मतलब तो यही मैंने कहा 63,300-200 इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना जरूरी है, और ये यहाँ पे वही अगेन फिर हम रिजेक्शन दे सकते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर अभी तक कोई कैंडल बनी नहीं है, कैंडल जिस नाम को मैंने बताया, तो मैं यहाँ पे ये आपको बना के भी दिखा देता हूँ, इस तरह की कैंडल बनना बहुत जरूरी है, कोई बड़ी कैंडल बनी फॉर्म हो। ठीक है, ये इस तरह की कैंडल कोई बनती है फिर उसकी कंफर्मेशन होती है, फिर ये मजीद अपसाइड मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। इसी तरह देखें नीचे का जो लेवल है 62,400 का या 300 का, इसके नीचे कोई इस तरह बेरिश कैंडल बनती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सीखने वालों के लिए है। ठीक है, इस तरह की ये मैं जैसा मेरा कस्टमाइज कलर बेरिश का ब्लू कलर है और बुलिश का येलो कलर है, तो मैं यहाँ ब्लू कलर बता रहा हूँ, फिर इसकी कोई कंफर्मेशन मिलती है तो ये फिर मजीद मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है। तो ये मैंने आपके साथ लेवल बता दिए, इनको देखते हुए आप ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें, पी रेशियो के हिसाब से आप जो है, आप मार्केट जैसे ही नीचे आती है अच्छी बात है, डिस्काउंटेड होती है तो आपको बाय करने का मौका मिलेगा, और पी रेशियो कम होगा, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मार्केट प्राइस जब ये डाउन होगी तो पी रेशियो भी कम होगा, जितना पी रेशियो कम होगा उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो
तो वो आप मेरी वीडियो देख लें, शॉर्ट वीडियो मैंने उसमें बनाया हुआ ईपीएस का, वो देख लें, उसका फॉर्मूला बताया हुआ है। तो पी रेशियो का फॉर्मूला आप अप्लाई करते हुए आप देख लेंगे, मार्केट अगर प्राइस नीचे आ रही है तो आपका पी रेशियो भी नीचे आ रहा है, तो आप उसको अच्छे डिविडेंड ओरिएंटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक जो है आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।